मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज को देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 1966 के आसपास मार्केट की मूवमेंट हो रही थी, और मैंने ये कहा था कि अभी जो चांस हैं वो ये हैं कि ये कुछ अप जाए, और अप जो है वो आप इसको 77 से लेकर 72, 77 और 81, ये एरियाज जो होंगे ये इसके एज ए रिजेक्शन होंगे। यहाँ से इसको रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांस होंगे, और यहाँ से अगर तो ये 67 से ऊपर H4 का क्लोज देता है और फिर नीचे की तरफ मूव करता है तो आप देखिएगा 1959 तक आएगा, और अगर ये 1959 को ब्रेक नहीं करता तो ये फिर जाएगा दोबारा अपसाइड, और अगर ये इसके नीचे ब्रेक क्लोज करता है तो फिर ये यहीं स्टे कर जाएगा। ऊपर के एरिया में मैंने कल भी बताया था कि बाइंग नहीं करनी है आपने ऊपर, और नीचे का जो एरिया था वो 1959 वाला जो ये एरिया और इससे नीचे का, यहाँ से आपने सेल नहीं करना। तो आप देख लें कि मार्केट ने किस तरह मूव किया है। चाहे न्यूज़ हो, मैं हमेशा एक बात तो पहले भी कहता हूँ कि मैं फंडामेंटल फॉलो ही नहीं करता। मैं तो कहता हूँ फंडामेंटल हमारी एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। जो मार्केट हमारी एनालिसिस बेस पर जो दो घंटे में मूव होती है वो फंडामेंटल जो है वो 1 मिनट में कर देता है। इट मींस के हमारे पास ऑलरेडी अगर कोई कंफर्मेशन है तो हम न्यूज़ में बड़ी आसानी के साथ ट्रेड कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। हालांकि आप ओवरऑल देखें तो मुझे नहीं लगता कि कोई ये आपको न्यूज़ के अंदर भी ट्रेड का मशवरा देता है, लेकिन हालांकि मैं जो है वो यही कहता हूँ कि आप लेवल को फॉलो करें, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटल आपके लेवल्स का कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, और बस यही है कि आपके पास कन्फर्मेशंस होनी चाहिए। अगर कन्फर्मेशंस नहीं है तो फिर वो नहीं है। देखिए, मैंने कल ये कहा था कि मुझे जो चांस नज़र आ रहा है वो यही है कि ये 72 से लेकर 81 के एरिया से रिजेक्ट होगा। हालांकि ये 72 हिट कर चुका था न्यूज़ से पहले, लेकिन न्यूज़ आई तो सिर्फ ये 30 पिप और ऊपर गया और वहाँ से ये सीधा सीधा नीचे ही आया है। और मैंने ये कल भी यही कहा था कि ये यहाँ से सेल होगा, यहाँ से इसको रिजेक्शन लगेगी और ये नीचे की तरफ मूव होगा। पहला टारगेट आपका 59 ही है, 59 फिर इसका फैसला करेगा कि ये मज़ीद नीचे की तरफ रह सकता है या फिर यहाँ से ये दोबारा ऊपर की तरफ हो सकता है। तो अभी आप देखेंगे कल वही उसी तरह से मूव की। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब हम देख लेते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। आज की जो इम्पोर्टेंट पोजीशन है वो इस तरह है कि नीचे वाला तो सेम ही है, क्योंकि सपोर्ट का जो माइनर सपोर्ट है वो सेम ही है, यहाँ तक मार्केट आई नहीं है अभी तक, और ऊपर सेम ही है क्योंकि उसको अभी तक टेस्ट नहीं किया। बीच में अब यहाँ पर 59 था, वो ब्रेक हुआ है, तो इट मीन्स अब यहाँ से हम इसको रिजेक्शन एरियाज देखेंगे। ये एक रिजेक्शन एरिया बनता है इसका, और यहाँ पर आप मार्केट को फॉलो करें। मेरा मशवरा यही है कि फ़िलहाल बाइंग की तरफ बिल्कुल भी ना देखें, और शायद मेरा ख्याल है कि ये एरिया इसको एज ए रिजेक्ट करे, बहुत ज़्यादा चांस होंगे। और यहाँ से इसकी जो है वो 48 तक आपने मतलब निकल जाना है। अगर यहाँ से आपको ये पोजीशन देता है तो 48 तक आपने यहाँ से निकल जाना है। एक चीज़ तो ये है, और दूसरा ये है कि आप ये M15 आपको यहाँ इस लेवल पे क्लियर भी कर देगा कि क्या ये इसको ऊपर की तरफ मूव करता है या ब्रेक करता है। अगर ये इट मींस कि अगर ये इसको ब्रेक भी कर जाता है और शेडो वगैरह लगते हैं तो खैर है, लेकिन क्लोज चाहिए हमें। क्लोज के बाद ही जो है वो हम मज़ीद इसको देख सकते हैं। अगर ये क्लोज भी देगा तो भी ये दोबारा 59 पे आएगा, तकरीबन 59 के आसपास, और यहाँ से फिर इसको इस तरह की सपोर्ट बन सकती है। चांस तो कम है लेकिन मार्केट है, हो सकता है। आप इसको फिलहाल यहाँ से रिजेक्शन के हवाले से ही देखिएगा। इस लेवल, ये माइनर लेवल है, कल भी मैंने बताया था कि स्टे करेगा या नहीं।
आज न्यूज़ तो नहीं है ज़्यादा, एक न्यूज़ है लेकिन एक हो या ज़्यादा हो अगर सेटअप होगा तो एक में भी, एक न्यूज़ में भी बहुत मोमेंट होगी, और अगर सेटअप नहीं होगा तो चाहे चार पांच न्यूज़ एक साथ हो तो भी मार्केट ने मूव नहीं करना। इट मीन्स के आप देखें कि ये कल यहाँ पर 72 तक जा चुका था और न्यूज़ आई तो 30 पे ऊपर जाने के बाद इसके पास सेटअप था, क्योंकि हम आप खुद अंदाज़ा देखिए ना कि हमारी न्यू एनालाइज क्या थी। हमारी एनालाइज ये थी कि 27 से लेकर 72 से लेकर 77 तक ये एरिया एक रिजेक्ट होगा, अगर इसके बाद जो है 77 के बाद जो है वो 81 हायर रिजेक्शन एरिया यहाँ तक होगा। तो आप देखें कि वही बात थी कि हमें सुबह ही अंदाज़ा था कि भाई ये मार्केट ने, या फिर हमारी एनालिस्ट थी सुबह के भाई यहाँ से इस एरिया से इसको रिजेक्शन होगी और 59 तक आएगा। तो आप देखें कि न्यूज़ आई बाद में, हमें तो नहीं पता था कि न्यूज़ में क्या आना क्या नहीं आना है, लेकिन मूवमेंट क्या हुई वो भी आपके सामने, एनालाइज क्या थी वो भी आपके सामने। तो वही यही चीज़ें होती हैं कि आप इन चीज़ों को इन लेवल्स के ऊपर इसी तरह की पोजिशन देखें। अब यहाँ पर आप 67 से 71 का जो एरिया है, तकरीबन ये वाला जो एरिया है 50 पिप का, 40-50 पिप, 72 भी हो सकता है, ये एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ये इस एरिया से रिजेक्ट रहता है तो ये फर्स्ट है। यहाँ पर आप बाइंग फ़िलहाल जल्दबाजी तो नहीं करनी है, पोजीशंस आपको देता है तो आप बाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है ये ऑलरेडी ब्रेक है। ये देखें नीचे की तरफ ब्रेक है, ऊपर भी ब्रेक है, नीचे भी ब्रेक है, और ये जब ऊपर गया है तो भी इस एरिया को ये ऊपर की साइड में ब्रेक करने के बाद ऊपर गया हुआ है। यहाँ पर ये देखें आप, ऊपर ब्रेक, ये लेवल ब्रेक, और फिर मतलब इस तरह से ये गया हुआ है। तो कोई मैं मतलब कंफर्म नहीं कह सकता कि ये एरिया इसको स्टे दे सकता है, और यहाँ से भी ये नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन ये जो ऊपर की यहाँ पर इसने एक मूव लगाई है, लेवल ब्रेक किया है, तो उसके बेस पे ये हो सकता है कि यहाँ से दोबारा जो है वो अपना बाइंग सफ़र शुरू कर सकता है, लेकिन वो कोई ज़्यादा बड़ा सफ़र नहीं होगा। वो भी इस सूरत में होगा जिस सूरत में इस एरिया पे कोई कंफर्मेशन दे के आता है, मतलब यहाँ ये कोई क्लोज वगैरह देने के बाद अगर नीचे आता है तो फिर ही कंफर्मेशन, फिर यहाँ से उम्मीद हो सकती है। अगर ये प्रॉपर टेस्टेड रहा तो ये ब्रेक हो जाएगा, और उसके बाद ये मेजर एरिया है। आज भी आप देखिएगा कि ये एरिया मैंने वैसे भी बताया है कि 40 से नीचे फिर ये एरिया, ये बहुत मेजर एरिया है। यहाँ पर आपने सेलिंग बिल्कुल भी नहीं देखनी है। 90-21 और 91-21 के नीचे ये जब तक डे का क्लोज नहीं लगाता, यहाँ कोई सेटअप इस तरह नहीं बनाएगा, तब तक नीचे की तरफ ज़्यादा मूव्स नहीं होंगी। तो इसलिए ये मेजर सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर आप सेलिंग मत देखिएगा। इन एरियाज़ में तो बिल्कुल भी बाइंग बिल्कुल भी मत देखिएगा। और हमारे पास तो खैर अब काफ़ी कन्फर्मेशंस भी हैं कि यहाँ से इसके रिजेक्ट होने के चांस हैं, फिर यहाँ से हो या फिर यहाँ से हो। क्योंकि अगर मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि अगर ये ऊपर वाले एरिया में भी चला जाता है, मतलब जो 81 वाला एरिया है वहाँ पर भी चला जाता है, तो वहाँ से भी इसको रिजेक्शन ही होनी है, और वहाँ से भी ये इस तरह से सेल ही होना है इसको इस तरह। अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है और ऊपर स्टे करता है, कर भी सकता है, उसका रीज़न ये है कि ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। अगर ऑलरेडी ब्रेक नहीं होता यहाँ पर तो मैं आपसे कहता कि यहाँ कन्फर्म है कि ये यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये ऑलरेडी ब्रेक है तो हो सकता है। आप ध्यान रखें, प्रॉपर कन्फर्मेशंस अगर मिलती है आपको तो फिर आपके पास यहाँ तक टारगेट होगा, और ये टारगेट आपका यहाँ तक होना चाहिए 49-48 तक, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और यहाँ निकल जाइएगा फिर नेक्स्ट नीचे की पोजिशन में। या फिर अगर आप देख रहे हैं कि अगर ये डायरेक्टली आके अगर इसने इस एरिया को ब्रेक कर दिया है, इट मीन्स कि ये ऐसे सीधा आके इसको ब्रेक कर देता है, तो फिर आप अपनी अगर कोई सेल ट्रेड वगैरह आपके ऊपर की तरफ से है तो आप उसको जो है वो ट्रेलिंग एसएल यूज़ किया करें, और वो भी ज़्यादा बेहतर होता है ताकि जो है ना वो आपकी ट्रेड सेफ हो जाए। तो ट्रेडिंग एसएल लगा लीजिएगा ताकि आप अपनी जो है वो ट्रेड को सेफ कर लें, और बाकी फिर मार्केट चाहे वो अप मूव हो या फिर डाउन हो, फिर टेंशन की बात नहीं है। फिर आप इस लेवल पर कंफर्मेशन देख के उसी हवाले से फिर जो है वो आप अपना
आगे का जो प्लान बना सकते हैं कि इस लेवल के बाद हमें होल्ड करना है या नहीं करना है, या क्या पोजीशंस बनती हैं। तो ये है हमारी आज के जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं और मार्केट की मूवमेंट होने का अंदाज़ा है, जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिएगा।